सर बताना चाहेंगे क्या मामला है जो डेड बॉडी निकली और आप इनके क्या परिवार के सदस्य लगते हैं? हाँ, मैं इनके मामा का लड़का लगता हूँ और हमारा बंदा जो है वो उसका मिसिंग का कंप्लेंट हम लोग बॉम्बे RPF द्वारा मालूम पड़ा। वहाँ ट्रेस मोबाइल नंबर आया तो उसका सामान वगैरह बॉम्बे सेंटर BCT में मिला, RPF में कलेक्ट किया। मैं RPF में जॉब करता हूँ और हमको मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे, तो मैं RPF कंट्रोल BCT से हमने संपर्क किया। वहाँ से मालूम पड़ा बड़ौदा, तो बड़ौदा पूछा तो बड़ौदा बंदा हमारा उतरा नहीं। और ये जो बंदा है वो CRPF कोबरा बटालियन 205 में कार्यरत है, बुद्ध गया में। और वो छुट्टी आ रहा था 13 तारीख को वो छुट्टी राजधानी से 290952 से आ रहा था, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस राजधानी से। अच्छा, इसके बाद में आज जो आप आए, आपने यहाँ घटनाक्रम क्या देखा? आज हम आए यहाँ घटनाक्रम में, हम लोग को यहाँ पर TI दीपक साहब जो है थाना जो इंचार्ज TI थाना प्रभारी, उन्होंने बताया है हम फोन माध्यम से कि ऐसे ऐसे फोटो आई, हमने पुष्टि किया तो थोड़ा सहरा मिलाया, हमारा ये बंदा लगा हमें, तो हम लोग यहाँ सुबह 6 बजे आज पहुँचे। इनका नाम क्या था? इनका नाम अजीत सिंह परमार है। ये तो कंफर्म है कि ये परिवार के वही सदस्य हैं? हाँ, ये वही सदस्य है। फिर आपने यहाँ पे विरोध किस बात का किया? हाँ, हमने इस बात का विरोध किया, यहाँ आए हमने TI साहब से प्रभारी से पूछा कि क्या कार्यवाही की, तो हमने सीधी ये हमने बोला है कि बोला हमने ये बॉडी को दफना दिया। आलोक पुलिस प्रशासन से क्या सहयोग चाहते आप? हाँ, बॉडी को हमने बोला दफना दिया, तो मैंने ये बताया है कि एक CRPF का कोबरा कमांडो जवान है, तो आपने कहीं इन्फॉर्म नहीं किया, कहीं मीडिया माध्यम से या कोई चैनल माध्यम से, दूरदर्शन से या कोई भी चैनल माध्यम से कोई संपर्क नहीं किया, और इतना जल्दी डेड बॉडी को क्यों दफनाया? इन्होंने बताया है कि हमको 10 बजे बताया और शाम को 5 बजे बॉडी को दफना दिया है। अदर स्टेट होने की वजह से आपको खबर नहीं मिली होगी, नहीं तो यहाँ पर करीब 2 से 2500 मैसेज लोगों के पास जा चुके थे कि अज्ञात लाश मिली है। हाँ ठीक है, हम गुजरात से हैं, हम अदर स्टेट से हैं, हमको खबर नहीं मिली, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन ये भी ठीक है, तो हमने पूछा TI साहब से कि ठीक है तो है सब, हम बोला PM हो गया, तो बोला हाँ PM हो गया है, बोला कब हुआ, बोला हो गया है कल, तो ठीक है PM रिपोर्ट दिखाओ, मैंने मांग की, और तो बोला PM रिपोर्ट अभी नहीं आई, 4-5 घंटे के बाद आए, तो 4-5 घंटे हम इधर ही है, तो 4-5 घंटे के बाद में पूछा, बोला नहीं अब 2 दिन के बाद में हमको टपाल माध्यम से मिल जाएगी आपको, और आप चले जाइए और आप बॉडी लेके जाइए। फिर हमने यहाँ जहाँ पर बॉडी को इन लोगों ने दफनाया था, जो गार्ड के अंदर हमारे जवान की अजीत सिंह परमार जो CRPF कोबरा कमांडो के है जवान उनकी, तो फिर हमने देखा बॉडी, तो बॉडी का सब कपड़े वगैरह उतार के मेरे को डाउट लगा कि PM हुआ कि नहीं, तो इसके शरीर में कोई भी खरोस नहीं है, कहीं से फटा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा का ऐसा शरीर है, और कोई भी PM नहीं किया, और ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी गलती नहीं, यहाँ का थाना प्रभारी बोल रहा है हमारी गलती नहीं, तो गलती है तो किसकी है? आजकल ये इंडिया में जवान के साथ ही ऐसा होएगा क्यों? जवान, मैं एक जवान हूँ, मुझे यहाँ पर वेदना होती है, पीड़ित है, मेरा भाई है, ठीक है साइड में, पर पहले वो देश का जवान है, और देश का जवान एक कोबरा कमांडो है जो बहुत कम बनते हैं और बहुत मेहनत से बनते हैं, और एक ये देश ने अपनी संपत्ति खोई है, एक जवान खोया है, तो मैं आप लोग मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ देशवासियों को और सब मीडिया भाइयों को कि इसकी खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाई जाए और इसको न्याय मिला जाए, अभी हमारी वो है और इसकी जांच है ना ऊपर से होनी चाहिए। अभी आप PM चाहते हैं? लग रहा है हम इसका पैनल PM की मांग हमने की है, तो ये लोग अभी बोल रहे हैं कि पैनल PM आपकी करके फिर हम आपको बॉडी सुपुर्द करेंगे, लेकिन इन्होंने PM क्यों नहीं किया, हमारे को झूठ क्यों बोला, ये सबका संदेह है, और इसकी दिल्ली से लेके जहाँ तक बड़ौदा तक वो आ रहा था वहाँ तक, और उसका जहाँ सामान पहुँचा है वहाँ तक अच्छे से जांच होनी चाहिए, यही मेरा बयान है। जय हिंद।